दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या किसी भी ज़मीन का कागजात डॉक्यूमेंट क्या रजिस्ट्री ऑफिस से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपके ज़मीन का कागजात कहीं गुम हो जाता है या फिर कोई आपसे धोखे से ले लेता है तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या हम रजिस्ट्री ऑफिस जाकर अपने ज़मीन का कागजात डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपके ज़मीन का कागजात कहीं गुम हो जाता है या फिर कोई आपसे धोखे से ले लेता है तो फिर यहाँ पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रजिस्ट्री ऑफिस से नहीं निकलवा सकते हैं, लेकिन उसका नकल आप ज़रूर ही रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि ज़मीन किसके नाम से था, किससे ख़रीदा गया, किस वर्ष ख़रीदा गया, ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, मौजा नंबर क्या था। तो अगर आप इतने सारे डिटेल को रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर देंगे तो फिर आप आसानी से अपने ज़मीन से संबंधित सारे कागजात को निकलवा सकते हैं। लेकिन आप ज़मीन का जितना कागजात है ओरिजिनल वहां से नहीं निकलवा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो उस व्यक्ति के पास होगा जिसने ज़मीन खरीदा होगा। लेकिन आप ज़मीन के कागजात का नकल ज़रूर रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके ज़मीन का कागजात गुम हो जाता है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप रजिस्ट्री ऑफिस से जाकर अपने ज़मीन से जुड़े कागजात को निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि ज़मीन किसके नाम से था, किससे ख़रीदा गया, आपके ज़मीन का मौजा नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर क्या था। तो अगर आप इतने सारे डिटेल्स को देंगे तो फिर आप बड़े ही आसानी से रजिस्ट्री ऑफिस से अपने ज़मीन से जुड़े कागजात की नकल निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।